प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा किया। पीएम मोदी का ये दौरा बेहद ही सफल रहा। तीनों ही देशों में उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। पीएम मोदी जब डेनमार्क पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोगों का उत्साह देखकर खुद डेनिश पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन भी हैरान हो गई। डेनिश पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन ने जब भारतीय लोगों को भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाते सुना तो वो इस बात का जिक्र करने से खुद को रोक ही नहीं पाई। वो मंच पर गई, सामने भारतीय समुदाय के लोग बैठे थे और प्रधानमंत्री मोदी भी। उन्होंने सबके सामने ये बोल दिया कि जैसा स्वागत भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का किया है, ऐसा स्वागत उन्होंने कहीं और नहीं देखा। उन्होंने भारतीय लोगों से ये तक बोल डाला कि वो डेनमार्क के लोगों को भी इस गर्म जोशी से किसी का स्वागत करना सिखाएं। I have to say that you really know how to welcome a politician. Please teach the Danish population how to do it. Once again, please teach the Danish population. चलिए अब आपको डेनमार्क का ही एक और शानदार किस्सा सुनाते हैं। डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने घर लेकर गई तो वहां मौजूद सबका ध्यान घर की एक दीवार पर गया। उस दीवार पर एक पेंटिंग टंगी थी। पीएम मोदी भी दीवार पर लगी उस पेंटिंग को देखकर हैरान हो गए। हैरान इसलिए क्योंकि डेनमार्क की प्रधानमंत्री के घर पर लगी ये पेंटिंग भारत की सांस्कृतिक ताकत को दिखा रही थी। इस पेंटिंग में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया गया था। आपको बता दें कि ये पेंटिंग खुद पीएम मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री को दी थी जब वो कुछ समय पहले भारत आई थी। ये पेंटिंग ओडिशा की लोक कला से जुड़ी हुई है। ओडिशा की पारंपरिक चित्रकला वाली इस पेंटिंग में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। ये कला ओडिशा और पश्चिम बंगाल के राज्यों में काफी प्रचलित है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फ्रेडरिक्सन द्वारा पीएम मोदी को पेंटिंग दिखाते हुए ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने लिखा कि ओडिशा का खजाना और भारत की सॉफ्ट पावर पेंटिंग के रूप में पीएम फ्रेडरिक्सन के घर की शोभा बढ़ा रही हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।